हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स बायरोकू। स्वागत है आपको दोस्तों ये मैथमेटिक्स बायरोकू यूट्यूब चैनल में। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इतिहास का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी सोशल साइंस में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, वो आपको इस वीडियो में पूरा करवाऊँगा। ठीक है, अगर एक पार्ट हो जाएगा तो एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में आपको पूरा करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो इसका आंसर क्या है, खा हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। ठीक है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, तो यह आपको 1804 में हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, वियना सम्मेलन का मेटरनिक था अध्यक्ष। और यहाँ पर हंगरी की भाषा क्या थी, तो हंगरी की भाषा क्या था, तो यहाँ पर म्यांमार थी। ठीक है, हंगरी की भाषा म्यांमार। अब मेटरनिक कौन था, मेटरनिक कौन था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ठीक है, अब यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी, तो आप देख सकते हैं 1928 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यंग इटली की स्थापना कब हुई, तो आप देख सकते हैं मेटरनिक मेजनी ने आ जाए किसने की, यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो इसका गैरिवाल्डी ने किए थे। अब यहाँ पे कह रहा है क्या चीज, यहाँ पे कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। ठीक है, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी, मतलब तुर्की की हार हुई थी। सेडावक के युद्ध में किसकी पराजय हुई। ठीक है, सेडावक के युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो ये दोस्तों देखते हैं आपका इसका आंसर है क्या, ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, जॉलबेराइन, जॉलबेराइन क्या था। ठीक है, जॉलबेराइन क्या था, तो ये जॉलबेराइन शुल्क संघ था। ठीक है, अब कह रहा है क्या चीज, इसमें यूरोप सभ्यता का पालना। ठीक है, यूरोप सभ्यता का पालन किसने किया, पालना किसे कहा था, किसे कहा जाता है, सॉरी किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि किस संधि कब हुई थी। ठीक है, तो इसका जो हुआ था ये आपका 1871 में हुआ था। ठीक है, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ था, तो सीडान के युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ठीक है, हंगरी की राजधानी कहाँ थी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट थी। ठीक है, वार्सराय की संधि कब हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में हुई थी। ठीक है, हानोई समझौता कब हुआ था, तो आप देख सकते हैं 1946 ईस्वी में हुई थी। और मेटरनिक क्या था, तो ये था, मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी थे। ठीक है, घोर प्रतिक्रियावादी। ठीक है, प्रतिक्रियावादी में इससे बहुत लगाव था, इसलिए घोर प्रतिक्रियावादी कहते हैं इसको। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था, तो ये था आपका दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका हो जाएगा कोसुथ ने किया था। अब कह रहा है कि कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी, तो कार्बोनरी की स्थापना हुई थी 1810 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था, तो इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था, तो यहाँ पे मेजनी थे। ठीक है, तो यहाँ पे इटली का एकीकरण तलवार के वक्त पे, यानी तलवार के विरुद्ध वो अपने क्या कहते हैं कि इटली का एकीकरण किसने किया, तो इसका किया गैरिवाल्डी ने। और इस तरह से आपको याद रखना होगा मेजनी और क्या कहते हैं मेजनी, काउंट कपूर और ये वो गैरिवाल्डी थे, जो तीनों आदमी मतलब इटली का एकीकरण में भाग लिए हुए थे। ठीक है, करा फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस भाषा में की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा से। फ्रांस में समांतवाद का अंत हुआ था 4 अगस्त 1789 में, 1789 को हुआ था। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लैंड का कौन सा कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान की ही मस में ही शहीद हो गया। ठीक है,
इंग्लैंड का कौन सा कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वायसराय वायरन, लॉर्ड वायरन। अब इसका आंसर देखिए, हेलो अभी देखिए, करा कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत इसको जो कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका रूसो को कहा जाता है। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना मिजनी ने किए थे। ठीक है, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ, मतलब कब, मतलब इसे चुना गया? तो इसको 1862 ईस्वी में चुना गया। ठीक है, मेजनी ने सन 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया था? 1834 ईस्वी में जो संस्था का गठन था वो जलवेराइन संस्था थी। ठीक है, वो संस्था का नाम था जलवेराइन। सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो किनके, कौन सा देश के बीच हुआ था, यानी कि, तो इसका हुआ था ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच हुआ था सेडोवा का युद्ध। ठीक है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कहाँ हुई थी, बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, तो फ्रांस और पर्सा के बीच कहाँ हुआ था, तो सीडान में हुआ था। ठीक है, सीडान का युद्ध कहाँ हुआ था, सीडान में, ये भी कह सकते था। ये फ्रांस फ्रांस और पर्सा के बीच जो हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, सीडान में हुआ था। तो फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसे की गई थी बुर्बो वंश द्वारा। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध जो है वो आप देख सकते हैं, कार्बोनरी से संबंधित थे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है क्या चीज़ कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध कौन से देश था? इटली और जर्मनी के विरुद्ध ये देश थे, वो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। गैरिवाल्डी पेशे से क्या था? तो वो नाविक थे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब जलवेराइन एक संस्था है, कौन सी का संस्था है? तो आप देख सकते हैं व्यापारियों का संस्था है जलवेराइन। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये देखते हैं 2011 और 2017 में, दोनों में पूछा हुआ है। इसका इसने किया था, रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था आपको इंग्लैंड में। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ठीक है, तो कौन सा देश के लिए हुआ? तो ये आपका हो जाएगा यूनान के लिए। अब यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किए थे वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज कि 1829 ईस्वी में कि तो कह रहा है कि 1829 ईस्वी में एंड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस के साथ। ठीक है, अब कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त किया? ठीक है, विक्टर इमैनुअल जो थे, इनको काउंट काबूर को किस कौन से पद पे नियुक्त किया था, यानी चुना गया था? तो इसको किया था प्रधानमंत्री पद पे। ठीक है, अब कह रहा है बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ थे, बिस्मार्क जो थे कूटनीतिज्ञ थे। अब कह रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? अभी जो आते हैं ये यूरोप के महादेश के बीच में आते हैं। ठीक है, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं इटली और जर्मनी। अब ये समाजवाद के चैप्टर, जो समाजवाद एवं साम्यवाद के चैप्टर से देखिए। अब कह रहा है कि इटली में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इटली में जो समाजवाद का जनक जो है उसमें वहाँ पे किसको माना जाता है? तो ये रॉबर्ट ओबेन को माना जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे कौन थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। और 1917 की पहली रूस क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको लाल क्रांति से भी के नाम से भी जाना जा सकता है। देखिए, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर थे, उसके हिसाब से ये फरवरी महीना था, इसलिए इसको फरवरी के क्रांति कहा जाता है। ठीक है, जो कि उस समय में अभी इंडियन जो देख रहे हैं आप लोग, अभी जो यूज करते हैं हम लोग, तो वो होता है इंडियन कैलेंडर है, जो उसमें उस हिसाब से उस टाइम में अप्रैल मार्च अप्रैल पड़ रहा था।
ठीक है। तो अब साम्यवाद घोषणा पत्र कम्युनिस्ट का मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1848 ईस्वी में, ठीक है। रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका राजन शासन था, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति के समय कौन सा किसका शासन था, तो इसका आंसर हो जाएगा जार निकोल्स द्वितीय का शासन था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, दास कैपिटल बुक का नाम है जो ये 1867 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। चेका क्या है, चेका एक क्या है, तो पुलिस दास्ता है, ठीक है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ठीक है, इंटरनेशनल सॉरी प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो इसका स्थापना 1864 ईस्वी में लंदन में हुई थी। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना जो हुई थी आपका 1889 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना ये हुई थी 1919 के मॉस्को में हुई थी, ठीक है, 1919 ईस्वी में मॉस्को में हुई थी, ठीक है। अब कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, तो इसका हुआ था 1991 में। चेका का गठन किसने किया था, तो इसका गठन किया था लेनिन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या जी, कि लेनिन की आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी, कब की थी, ठीक है, तो घोषणा कब की थी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1921 में हो जाएगी। अब कह रहा है क्या जी, कि दुनिया के मजदूर हो किसने कहा जाता है, एक हो किसने कहा था, ठीक है, दुनिया के मजदूर जो है सब एक हो जाए, ये किसने कहा था, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था। रूस में फरवरी क्रांति कब हुई थी, रूस में फरवरी क्रांति जो हुई थी वो आपको 1917 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, फरवरी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। अब कह रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकार कौन था, तो लेनिन का उत्तराधिकार जो थे स्टालिन थे। अब कह रहा है कि जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की थी, ठीक है, कब की, तो ड्यूमा नामक की संसद की स्थापना जो की थी वो आपको 1902 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ये मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, जो कि हर साल 1 मई का छुट्टी भी होता है, ठीक है, गवर्नमेंट छुट्टी होता है। रूस जापान युद्ध का कब कब हुआ, रूस जापान युद्ध कब हुआ था, ठीक है, रूस और जापान के बीच कब हुआ था युद्ध, तो ये हुआ था 1904 या 5 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो अगला है, स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था, स्टालिन जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के कौन चीज थे, तो वो महासचिव थे, ठीक है। रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया, रूस को गणतंत्र यानी कि गणतंत्र का भी घोषित किया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में किया गया था। अब कह रहा है कि 24 अक्टूबर 1917 की क्रांतिकाल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका आंसर करेंसी होगा, करेंस्की। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने, सॉरी। रूस में नई आर्थिक नीति कब और लागू की गई, ठीक है, कब लागू की गई या कब लागू हुई है? यह 1921 में हुआ था, 1921 में लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट की स्थापना सॉरी कामिंटर्न की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुआ था 1919 ईस्वी में, ठीक है। जार निकोल्स ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया, ठीक है, कब जारी किया, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 11 मार्च 1917 को, ठीक है। जार निकोल्स को कब सिंहासन त्यागना पड़ा, ठीक है, जार निकोल्स को कब सिंहासन त्यागना पड़ा, तो ये सिंहासन उसको त्यागना पड़ा 15 मार्च 1917 ईस्वी में। रूस में किस राजवंश का शासन था, ठीक है, रूस में किस राजवंश का शासन था, तो ये था आपका रोमोनोव का शासन था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ये एम एन राय, ठीक है। दास कैपिटल किसकी रचना है, दास कैपिटल आपको ये कार्ल मार्क्स की रचना है, ठीक है।
लास्ट चैप्टर लास्ट पेज में चल रहे हैं। अब कह रहा है क्या चीज कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था आपका जर्मनी जर्मनी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं, ये रूस का सम्राट में। ठीक है, रूट का जा रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 में। कह रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ठीक है, पहला पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो इसका हुआ था रूस में। ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस जो है, वार एंड पीस वो टॉल्स्टॉय की रचना है। ठीक है, टॉल्स्टॉय ने यह बुक लिखी थी। यहाँ पे यूटोपियन समाजवादी। ठीक है, हो सकता है यूरोपियन हो सके, यहाँ पे मिस्टेक हो। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। ठीक है, यूरोपियन हो सकता है, ये होगा आपका कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स नहीं थे। ब्रेस्टलियन ब्रेस्टिलोटोवा सॉरी ब्रेस्ट लिवो लिटोवस्क लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ये हुई थी आपका रूस एवं जर्मनी के बीच। लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु हुई वो 1924 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति हुई थी जनवरी 1905 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन किया था होची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। होची मिन का शाब्दिक अर्थ जो है, चलिए दोस्तों इसके आगे अब इतना अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, अब तक इतना ही। आपको कई तीन चार को चैप्टर करवा दिए, तीन को चैप्टर शायद हुआ है। तो इस सारे को ऑब्जेक्टिव को आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना अच्छा आपको लगता है ये वीडियो। आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो और भी वीडियो बनाऊंगा, तो इस हिसाब से आप कमेंट जरूर करेंगे। और दोस्तों मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं मिलता रहता है, इसलिए मैं टाइम निकाल कर थोड़ा सा वीडियो 10th लेवल पे बनाता हूँ और 11th 12th सभी को बनाना चाहता हूँ। तो इस हिसाब से मैं 11th 12th का बनाता हूँ और 10th का भी बनाता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगता है या नहीं दोस्तों जरूर कमेंट करें। और साथ में हमारा यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं अगर, तो आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों मैं अगर आप 11th में 12th में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप मैथ साइंस रख के पढ़ाई करेंगे आप, तो मैथ में मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ मधुबनी में, तो आप आके यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको कम बहुत कम फी में आपको कोचिंग ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप आ सकते हैं और बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। और दोस्तों 11th 12th बीएससी पार्ट 1 2 3 और ITJEE मेन लेवल तक का भी पढ़ाई किया जा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस कोचिंग में आके आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स बाय रघु मधुबनी। ठीक है, महाराजगंज में है। ठीक है, तो आप दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही कहूँगा। और इस तरह से आपको दोस्तों कैसा लगता है मेरा वीडियो, जरूर शेयर करेंगे दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ कम समय में आप ज़्यादा याद कर सकते हैं, इस वीडियो को सुन के भी याद कर सकते हैं। तो आप दोस्तों मोबाइल पे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है कि एक दूसरे को, मतलब मोबाइल में ऑडियो वीडियो गाना सुना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बताऊं कि इस साथ साथ आप कि इस वीडियो को भी देखेंगे पढ़ाई के साथ। ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्टिव को याद करने का बहुत ही अच्छा मौका मिल जाएगा यूट्यूब पर, जो हमारा वीडियो देख के आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको दोस्तों ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपसे भगवान से गॉड से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी एग्जाम का तैयारी करें, बढ़िया से बढ़िया तैयारी करें। और आप आलस जो है आपके अंदर, तो आप आलस हटा देंगे तो उसके बाद आपका तैयारी बढ़िया से होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।